50,000 के इनामी ने घर में घुसकर हत्या कर दी। बड़ी खबर यह भी है, मेरठ से बड़ी खबर है, डबल मर्डर, गवाह के निजी सुरक्षा गार्ड की हत्या की। घर में घुसकर सोनू ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 14 महीने पहले डबल मर्डर में आरोपी सोनू है, जो कि 14 महीने से फरार है। इन 14 महीनों में पुलिस ने 500 से ज्यादा एनकाउंटर किए, लेकिन सोनू तक वो नहीं पहुंच पाई। प्रेम सिंह और उनकी पत्नी की हत्या की थी इसने, गवाह बेटे को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है। और सवाल ये है कि पुलिस यहाँ पर सोती रही और सोनू मर्डर करके फरार हो गया। इनामी बदमाश ने घर में घुसकर हत्या की है, और आपको बता दें कि सुरक्षा के बीच में यह हत्या की है। ऐसी जानकारी हमारे संवाददाता नरेंद्र ने बताया है कि सुरक्षा कर्मियों के बीच हत्या की गई है। नरेंद्र हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आगे का हाल वही बताएंगे, अपडेट भी वो बताएंगे। नरेंद्र, राहुल, ये जो वारदात है बड़ी सनसनीखेज और हौसले वाली वारदात है। जो आरोपी है वो पुलिस सुरक्षा के बीच आया, 50,000 का इनामी है, जिसको एसटीएफ और मेरठ की क्राइम ब्रांच बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ आकर यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया है। जो चश्मदीद है इस वारदात का जानी, उसका कहना है करीब 5 से 6 बदमाश थे, जिनमें सोनू भी शामिल था, और छत पर चलकर, और उसने यहाँ पर ये लोग सो रहे थे, वहां पर हमला किया है, तावर से गोलियां चलाई है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल है जानी, और जो एक निजी अस्पताल है मेरठ वहां पर उसको भर्ती कराया गया है। दूसरा जो निजी सुरक्षा गार्ड था जानी के बड़े भाई का, जोगिंदर का, वो इस पूरी वारदात में मारा गया है, राजा उसकी मौत हो गई है। और फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन पिछले 14 महीनों में पुलिस नहीं उसको उसका सराफ सुराग लगा पाई, तो अब क्या कर पाएगी ये समझा जा सकता है। फिलहाल पुलिस के दावे यही है कि वो जल्द ही जो सोनू है उसको गिरफ्तार कर लेंगे, जो कई थानों से वांटेड है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र प्रताप इस पूरी जानकारी के लिए। तो नरेंद्र ने कई अहम जानकारियां दी हैं, और सवाल सीधे मेरठ पुलिस पर और एसटीएफ पर उठ रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि 14 महीने से ये डबल मर्डर करके फरार है, लेकिन पुलिस और एसटीएफ की टीम इसे पकड़ न पाई, और उसके बाद इसने आज फिर वही काम किया है और फिर फरार हो गया है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। कानपुर से बड़ी खबर है, युवक ने आत्महत्या का